Hey there, this is Mr. Krish and welcome to my channel Mr. Krish on the go. Hope you guys are doing absolutely fine. So, आज मैं वीडियो बनाऊंगा इंटरनली ब्रेकिंग के ऊपर. तो इंडिया में बहुत सारे लोग ये कम्यूटर बाइक चलाते हैं जो कि है 110 सीसी का या 125 सीसी का. जो कम्यूटर बाइक्स होता है मैक्सिमम बहुत सारे लोग ये बाइक यूज़ करते हैं फॉर सिटी राइड्स, बेटर इकोनॉमी एंड ओकेशनल हाईवे राइड्स. सो मैक्सिमम मेनली ये जो बाइक है ये सिटी राइड्स के लिए यूज़ होता है, ओकेशनली हाईवे राइड्स के लिए यूज़ होता है. इस बाइक से आपको मिलता है बहुत अच्छा फ्यूल इकोनॉमी. सो मेनली जो 110 सीसी का बाइक होता है, ये जो मैं रेडियन यूज़ कर रहा हूँ, कुछ बाइक्स में डिस्क ब्रेक आता है, कुछ ब्रेक में ड्रम ब्रेक्स आता है. ये जो रेडियन है ये पूरा ड्रम ब्रेक का सेटअप है. फ्रंट में भी ड्रम ब्रेक है, पीछे भी ड्रम ब्रेक है. सो मेरे पास क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर मशीन. वैसे बहुत सारे बाइक्स 125 सीसी का सेगमेंट में भी आपको देखने को मिलेगा जिनमें ड्रम ब्रेक का ऑप्शन ही मिलेगा आपको, कोई डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं है तो होता है उन सब बाइक में. सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ड्रम ब्रेक इज़ नॉट एट ऑल अ गुड ऑप्शन. आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ड्रम ब्रेक भी बहुत अच्छा होता है, या डिस्क ब्रेक की तरह उतना शार्प नहीं होता है, उतना वाइटी नहीं होता है, बट ड्रम ब्रेक से भी आप बहुत ही अच्छे से ब्रेक कर सकते हैं. मैं ऑलरेडी ब्रेकिंग के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, वो आप जाके चेक कर सकते हैं. ब्रेकिंग के टेक्निक के ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ. वो टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगे तो आप इजीली बहुत अच्छे से आप ब्रेक कर पाओगे. सो वन गुड थिंग अबाउट दिस ड्रम ब्रेक कि इसे आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, घर में ही एडजस्ट कर सकते हो, इसलिए इसके लिए आपको कोई मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. एज यू कैन सी दिस इज़ द ब्रेकिंग पैटर्न ऑफ TVS Radeon. इसमें सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम है. अभी सभी बाइकों में आपको सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा. सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम CBS, SBT सभी एक जैसा होता है. इसके अंदर रहता है ब्रेक का जो शू रहता है इसके अंदर, और ये क्या करता है कि ये जब लीवर आप ब्रेक करेंगे ये लीवर ऐसे पीछे जाता है और उससे ब्रेक शू एक्सपेंड होकर यहाँ पर आपको ब्रेकिंग में हेल्प करता है. सो ये आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो. ये जो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम या CBS, SBT जो भी आप कहें, IBS होता है हीरो का, जो भी आप कहें सेम सिस्टम होता है. ये नीचे वाला जो वायर होता है ये होता है फ्रंट ब्रेक के लिए, और ये जो नीचे ऊपर वाला जो वायर होता है ये होता है रियर ब्रेक के लिए, जो SBT का काम करता है या CBS का काम करता है. जब आप फ्रंट ब्रेक प्रेस करोगे तब ये वाला जो तार है, ये वाला जो वायर है, इसके हेल्प से ब्रेकिंग होगा. जब आप रियर वाला ब्रेक प्रेस करोगे तब इसके हेल्प से ब्रेकिंग होगा. बेसिकली रियर ब्रेक आप जब प्रेस करोगे तो कुछ पोर्शन फ्रंट ब्रेक का भी अप्लाई होता है, जो SBT का टेक्निक है. तो पहले ये सिंगल पीस आता था, अब ये डुअल पीस आता है. सो इसे आप एडजस्ट कर सकते हो. ये जो पोर्शन है इसे आप पीछे ला कर ऐसे आप घुमा के जब टाइट करोगे, ये टाइट हो रहा है तो इसका मतलब ये ब्रेक भी टाइट हो रहा है, और इसे अगर लूज़ करोगे तो ब्रेक भी लूज़ होगा. तो इसे टाइट करके आप ब्रेक का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा सकते हैं. बट एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि टाइट इतना करे कि ये फ्री प्ले हो सके. लेट मी शो यू. सो द थिंग इज़ आप जब व्हील को घुमाओगे तो ये फ्रीली घूमना चाहिए. अगर आप इसे ज़्यादा टाइट करोगे तो ये अटक जाएगा, तब आपको लूज़ करना पड़ेगा. सो मेक श्योर ब्रेक इतना टाइट करो कि ब्रेक व्हील फ्रीली घूमे. सो दिस इज़ द टेक्निक. एक्चुअली सेम टेक्निक गोज फॉर द रियर व्हील. अभी मैं आपको तो रियर साइड पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो ब्रेकिंग का लीवर है. सो इसे आप टाइट या लूज़ करके आप ब्रेक को टाइट या लूज़ कर सकते हो. सो ऐसे आप घर में बैठ के ही ड्रम ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हो, बट मेक श्योर व्हील फ्रीली मूव होना चाहिए. तो मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ एक चीज़. मैं इसे टाइट करूँगा. देखो मैं इसे टाइट करूँगा. सो देखो व्हील मूव ही नहीं हो रहा है एक्चुअली. तो आपको इसे लूज़ करना पड़ेगा. तब अब देखो व्हील फ्रीली मूव हो रहा है. सो इसको इतना ज़्यादा टाइट मत करो कि व्हील लॉक हो जाए. व्हील फ्रीली मूव हो सके इतना ही टाइट करना पड़ेगा आपको. ओके. सो ये तो था ब्रेकिंग का एडजस्ट रिलेटेड ज्ञान.
अब मैं दिखाऊंगा कि जो ड्रम ब्रेक्स होता है उसमें ब्रेक आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए। सो मैक्सिमम जो ये कम्यूटर बाइक चलाते हैं, सिटी के अंदर चलाते हैं, वो डिपेंड करते हैं रेयर ब्रेक के ऊपर, बट ये प्रोसेस एकदम गलत है। आपको फ्रंट ब्रेक के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंड करना चाहिए, क्योंकि फ्रंट ब्रेक ही है जो बाइक को प्रॉपरली स्टॉप कराता है। सो ये CBS, SBT या IBS टेक्नोलॉजी होता है, वो मेनली होता है कि रेयर ब्रेक पर आप जब अप्लाई करोगे तो कुछ पोर्शन फ्रंट ब्रेक का भी अप्लाई होता है। लाइक 70% अगर आप रेयर ब्रेक अप्लाई होता है तो 30% फ्रंट ब्रेक का अप्लाई होता है। बट मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड ना करें, आप फ्रंट ब्रेक मास्टर करना सीखें। ब्रेकिंग के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया है उनमें मैंने बताया है कि बाइक का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो टोटली डिपेंड ऑन फ्रंट ब्रेक। 70% ऑफ फ्रंट ब्रेक एंड 30% ऑफ रेयर ब्रेक इज एसेंशियल फॉर ब्रेकिंग। इमरजेंसी ब्रेकिंग में आपको थोड़ा डर लग सकता है, क्योंकि इन सब बाइक में ABS का ऑप्शन नहीं है, तो व्हील लॉकअप होने का चांस ज़्यादा है। फ्रंट व्हील अगर लॉकअप हो जाए तो बाइक स्किड करने का भी चांस होता है। एयर व्हील अगर लॉकअप हो जाए तो बाइक स्किड कर सकता है, स्लाइड कर सकता है पीछे का साइड। सो आपको वैसे ही ब्रेक करना पड़ेगा जैसे बाइक स्किड भी ना करे और ठीक ठाक से रुक भी जाए। तो उसके रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाया कि इमरजेंसी ब्रेकिंग आपको कैसे करना होगा। सो मैं आपको ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ। सो 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड पर हूँ मैं अभी। मैं रेयर ब्रेक का अप्लाई करके बाइक को स्टॉप करूँगा। और अभी मैं यूज़ करूँगा ओनली फ्रंट ब्रेक टू स्टॉप द मोटरसाइकिल। सो ब्रेक, यप, एज यू कैन सी। सो आपने देख ही लिया कि रियर ब्रेक से ज़्यादा फास्ट फ्रंट ब्रेक काम करता है। सो ऑलवेज यूज़ फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करना सीखे। और आपने तो नोटिस किया होगा मैंने कैसे फ्रंट ब्रेक अप्लाई किया। मैंने एकदम टोटली फ्रंट ब्रेक को स्लैम नहीं किया। मैंने स्लैम करके छोड़कर फिर स्लैम किया, फिर थोड़ा सा छोड़कर फिर स्लैम किया। एक्चुअली ये ABS का टेक्निक है। बाइक का जो ब्रेक है उसे लॉकअप मत होने देना। जब भी बाइक पे आप इमरजेंसी ब्रेकिंग करोगे फ्रंट ब्रेक यूज़ करके, जब आप हार्शली ब्रेक करोगे तो व्हील लॉकअप होने का चांस रहता है। तो ब्रेक करके छोड़कर फिर ब्रेक अगर आप करोगे तो क्या होता है, व्हील लॉकअप होने का चांस बहुत ही घट जाता है। प्लस व्हील फ्लैटेंड हो जाता है, रास्ता में जो ग्रिप होता है वो बढ़ जाता है, रास्ते में जो ट्रैक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। इसके रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो बनाया हूँ, आप डिटेल्स बाहर जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिटेल नहीं बताऊँगा, मैं सिर्फ आपको टेक्निक दिखा रहा हूँ। और अभी आपको और एक टेक्निक दिखाता हूँ कि अगर आप बोथ ब्रेक एक साथ यूज़ करें तो कैसा ब्रेकिंग होता है। सो 40 किलोमीटर पर आवर अभी मैं करूँगा वो फ्रंट एंड रियर ब्रेक एट ए टाइम। सो लेट्स ब्रेक। सो एज यू कैन सी ब्रेकिंग डिस्टेंस आपको दिख ही गया होगा, बहुत ही फास्ट ब्रेकिंग हुआ है, बोथ ब्रेक एट ए टाइम। तो अब जो भी ये रेडी ऑन बाइक यूज़ करता है या ऐसा कोई बाइक यूज़ करता है जिसमें दोनों ही तरफ ड्रम ब्रेक्स है, कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, उन सब बाइक में आप ऐसे ही ब्रेक एडजस्ट कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, जैसा मैंने देखा है वैसे आप ब्रेक भी कर सकते हैं। ये जो टेक्निक है इसे थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ज़्यादा यूज्ड हो जाएंगे आप इस टेक्निक से। सो ये आप इस वीडियो में इतना ही ब्रेकिंग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान दिया मैंने। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी के साथ शेयर कर सकते हैं, सभी को हेल्पफुल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा ये वीडियो। और मेरे कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर होने वाला है, बहुत ही करीब हूँ मैं 10,000 सब्सक्राइबर। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑलवेज वेयर योर हेलमेट व्हाइल राइडिंग योर मोटरसाइकिल एंड ऑलवेज वेयर मास्क इन दिस सिचुएशन। And stay safe, stay home, and spread love. Bye bye.